बी फिल्म्स डिजिटल मीडिया से देवेंद्र गुप्ता। आज हमारे साथ एक जानी मानी अभिनेत्री मेघना पटेल, जिन्होंने मॉडलिंग किया है, मॉडलिंग करने के बाद टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है, बहुत सारे हिंदी फिल्में भी की हैं। मैम ने अभी कहानी चंद्रकांता का टेलीविजन सीरियल किया है, जिसमें मैम एज ए लीड थी। इनको हिंदी फिल्म लव फिर कभी में भी देखा होगा। आपने कौन कौन सी फिल्में की है इस सीरियल के अलावा? जी, मैंने काफ़ी फिल्म की है। मेरा करियर मैंने शुरुआत की थी वेलकम मूवी से जी। उसके बाद मैंने म्यूज़िक वीडियो किए काफ़ी, गोल्डन बे, पिंक रोज़, और उसके अलावा मेरी फिल्म आ चुकी है राजा ठाकुर, घर राजा परदेसी जी। और सीरियल मैं कर चुकी हूँ कहानी चंद्रकांता की, और मेरी लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी लव फिर कभी, जो हिंदी फिल्म थी। ओके। ये सारी फिल्में और टेलीविजन और साउथ में भी काफ़ी फिल्म कर चुकी हूँ मैं। सोलार, स्वप्नम, कादल एक्सप्रेस, ये सारी मलयालम, तमिल, ये सारी फिल्म कर चुकी हूँ मैं। तो जो अभी रिसेंटली आपकी फिल्म रिलीज हुई है, उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे? जी, वो फिल्म हमने काफ़ी दिल से बनाई थी, क्योंकि आपने देखा फिल्म का नाम ही लव फिर कभी है, तो वो फिल्म पूरी लव पे आधारित थी। पर आज के ज़माने का, मॉडर्न ज़माने का जो लव है, उसमें डायरेक्टर जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है। और उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल था मिसेस ओबेरॉय का, जो हाई सोसाइटी की जो फीमेल होती है उनकी लाइफ कैसी होती है, वो अपनी लाइफ में कैसे लव की कमी महसूस करती है और उसकी वजह से क्या क्या गलतियां कर बैठती है, और ये सब ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और फिल्म को अच्छा खासा लोगों का, दर्शकों का प्यार मिला है, और दर्शक मुझे हमेशा बहुत प्यार करते हैं, मीडिया भी मुझे बहुत प्यार करता है, तो मैं हमेशा आभारी हूँ सबकी। मेघना मैम, अभी सूत्रों से पता चला है कि आपकी और भी काफ़ी सारे अपकमिंग फिल्में हैं, तो आप उसमें कुछ बताएंगे? जी, 2018 में मेरी 3 फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तीनों हिंदी फिल्म है, उसमें एक फिल्म है देखो ये है मुंबई रियल लाइफ जी। वो सटायर कॉमेडी है, जो फिल्म बनाने के टाइम जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो मुश्किलें फेस करते हैं, उसको बड़े कॉमेडी अंदाज में यहाँ पेश किया गया है ये फिल्म है। और उसके अलावा मेरी एक और फिल्म आ रही है डॉन का फिल्मी अंदाज, वो हमने पूरी मलेशिया में शूट की है फिल्म। वो फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट उसका एक गाने की शूटिंग बाकी है बस। और उसके अलावा जयप्रकाश जी, जो बड़े अच्छे डायरेक्टरों में माने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने मनीषा कोरारी जी के साथ फिल्म की थी मार्केट, उनकी एक फिल्म कंप्लीट हुई है जो अनटाइटल है अभी, वो भी ये साल में शुरुआती दौर में रिलीज हो जाएगी। तो आपको कैसा लग रहा है? आपने बताया उन्होंने मनीषा कोइराला जी के साथ में डायरेक्ट किया है उनकी फिल्म जी। तो आप कैसा फील कर रही हैं उनके साथ एज उनके डायरेक्शन में काम करके? मैं कहूँगी मुझे उनके साथ काम करके एक अभी तक जो मुझे एक प्रॉपर मुझे अपनी एक्टिंग दिखाने का जो चांस मिलना चाहिए था प्रॉपर, वो मुझे उनकी फिल्म से मिला है। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी, और एज अ आर्टिस्ट मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, क्योंकि जब एक अच्छे डायरेक्टर होते हैं तो आर्टिस्ट से उनका जो टैलेंट, उनका काम कैसे निकाला जाता है, वो उनको बहुत अच्छे से पता है, और बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर है, और मुझे बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके। मेघना मैम, हमने देखा आप काफ़ी सारे इवेंट में एज अ परफॉर्मर काम करती हैं जी, तो हमें और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद है आपने जो भी फिल्में की हैं उसमें आपने कोई सॉन्ग्स वगैरह भी किया होगा जी। जी, तो आप बताएंगे थोड़ा उन सॉन्ग्स के बारे में कुछ, और जो भी डायरेक्टर थे उसमें उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी, फिल्मों में मुझे इतना डांस करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि जब अभी तक जो भी मैंने फिल्में की है उसमें ज़्यादातर मुझे परफॉर्मेंस लाइक एक्टिंग, जिसमें फीमेल का किरदार बहुत स्ट्रांग होता है, उस तरह के रोल करने मिले हैं। बट रियल लाइफ में मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, और मैं काफ़ी स्टेज परफॉर्म करती हूँ। मेरे जो म्यूज़िक वीडियो है, हालांकि उसमें मैंने अच्छा डांस देखने को मिलेगा आपको, जैसे मेरा गोल्डन बेब म्यूज़िक वीडियो आया था, फुल ऑन डांसिंग नंबर था जो उसमें हमने होठों में ऐसी बात। और मैं आपको बताऊँ, ये गाना बहुत सुपरहिट रहा है, इसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ जी। हाँ, वो गाना बहुत ही सुपरहिट हुआ था, हालांकि वो फिल्म की तरह हिट हो गया था उस टाइम पे। और वो पुराना गाना है जो होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, उसका रिमिक्स किया था, एकदम मॉडर्न वर्जन किया था, और बहुत ही अच्छा गाना और है, आप नेट पे कभी भी देख सकते हो मेरे सारे गाने। मेघना जी, अभी आपने कहा 2018 में आपकी 2-3 फिल्में रिलीज हो रही हैं जी, तो आपको मतलब जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप देखते हैं, मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत करती हूँ, और मैं नारी शक्ति को हमेशा
आगे बढ़ाने में और प्रोत्साहन देने में मानती हूँ। और ऐसी ही एक शख्सियत है वो फिल्म की, जो हमारी डायरेक्टर है वो फीमेल है जी। और उन्होंने PhD की हुई है काफ़ी, और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट फीमेल, और उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में, हालांकि एक हिंदी फिल्म बनाने में आपको 30 से 40 दिन लग जाते हैं, पर वो इतनी फास्ट है, उन्होंने फिल्म 20 दिन में कंप्लीट कर दी है। और उन्होंने बहुत अच्छे से पहली बार फिल्म डायरेक्ट करते हुए भी बहुत अच्छे से सब बड़े बड़े आर्टिस्ट और सबको संभाला उन्होंने, तो उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। और बाकी जो मेरे दूसरे डायरेक्टर हैं जिनकी अभी मैं अभी काफ़ी तारीफ कर चुकी हूँ, जयप्रकाश जी की, जयप्रकाश जी भी बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर है, उनको टेक्निकली इतने साउंड है, उनको इतना सेंस है कैमरा का, और अब वो ऑल उनको पता है कि आर्टिस्ट से काम कैसे निकलवाना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो मेरा टैलेंट है उन्होंने उसमें दिखाया है मेरा जो टैलेंट है। मेघना मैम, अभी आपने बताया कि आपने सोशल वर्क किया है और बहुत सारे नारी सशक्तिकरण के लिए आप हमेशा आगे आए हैं जी, तो जिस फिल्म की डायरेक्टर ही एक फीमेल है जी, तो उस उनकी मूवी के बारे में आप कुछ बताएंगे, अपने किरदार के बारे में और जी उस फिल्म के बारे में कुछ हमारे दर्शकों से बताइए। ये फिल्म एक सटायर कॉमेडी है और ये फिल्म में सब कैरेक्टर है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट है उसमें, नीरज वोरा है, ब्रिजेंद्र काला जी है, ब्रिजेशीर जी है, मुश्ताक खान जी, रजाक खान जी है, प्रीति जंग्यानी जी है, मैं हूँ, हम सबका एक एक किरदार है। हीरोइन है तो हीरो भी होगा, तो कुछ अगर आपके अपोजिट में कौन है अगर आप बताएं? जिमी करके एक लड़के है, वो पंजाब की काफ़ी पंजाबी फिल्में कर चुकी है, जिमी शर्मा वो है उसमें। और एक्चुअली वो सब कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है, तो उसमें हीरो हीरोइन जैसा नहीं है, सबका एक अपना किरदार है और सब अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, मेन ऐसा है। बट हाँ, वो फिल्म में जो फिल्म बन रही है उसके अंदर वो हीरो है जी, ऐसा उन करूँगा। मेघना मैम, आपकी अपकमिंग फिल्में आपने बताई तीन, तो तीनों का नाम हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे जी। एक फिल्म मेरी है जिसका नाम है देखो ये है मुंबई रियल लाइफ जी, जिसमें मुंबई की रियल लाइफ दिखा रहा है, जब फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्म कैसे बनती है वो दिखाया जा रहा है। दूसरी फिल्म है मेरी डॉन का फिल्म। मेघना मैम, बी फिल्म्स डिजिटल मीडिया को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।